गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हमारा डे 3 है। किस चीज का डे 3 भाई? ओ हाँ, आज हमारा आरसीपीएल टूर्नामेंट का डे 3 है। एक मैच हारे, एक मैच जीते हम लोगों ने। अभी तक यहाँ पे बैलेंस चल रहे हैं, यहाँ पे नंबर 4 पे थे, सॉरी नंबर 1 पे थे, हम लोग आ चुके हैं नंबर 5 में। शाबाश बेटा, सोचो भाई सोचो। तो आज हमारा चेन्नई वर्सेस पंजाब का मैच है, सबसे बड़ा मैच है। तो सबसे छोटा मैच कौन सा है? और आज फाइनली धोनी कमबैक कर चुके भाई। धोनी एक मैच के लिए इंजरी हो चुका था और वो वाला मैच ही हार गए हम लोग। तो कोई बात नहीं भाई, आज हम लोग टीम के अंदर दो प्लेयर चेंजेस किया है। कौन सा प्लेयर चेंजेस किया आप लोग देख सकते हो मैच के अंदर। तो और देर ना करके आज के मैच फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के मैच सबसे बड़ा है। सूत्र के अनुसार खबर आ रहा है कि आज मैच के अंदर बारिश भी होने वाली है। तो चलो भाई छतरी लेके जाते हैं मैच के अंदर। बारिश आ गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आज का मैच क्या पीछे देखो, एकदम किलनी पीछे, एकदम किलनी पीछे यहाँ पे है। पर दोनों धोनी एक साथ कहाँ से आ गया भाई? ये हम सकल में धोनी कौन है? पर लेंगे हम टेल्स यहाँ पे। भाई साहब ये घर बैठे क्या मिरर देख रहे क्या? दोनों धोनी एक साथ कहाँ से आ गया यहाँ पे? लो टॉस जीत के यहाँ पे हम सकल वाला धोनी यहाँ पे, और बैटिंग फास्ट करेंगे वो लोग भाई। क्या बात है, क्योंकि बारिश आने वाला ना, इसलिए भाई बैटिंग करेंगे। और उन लोगों का टीम देखो भाई, उन लोगों का टीम तो बहुत ही जबरदस्त है भाई। हम लोग का टीम क्या दोनों चेंजेस किया देख लो फटाफट से, क्या चेंजेस किया है। हेब्रर और धोनी अभी लाल जर्सी से उतर चुके हैं यहाँ पे। मैथ्यू वेट और मयंक अग्रवाल, पर आज कप्तान मयंक अग्रवाल नहीं है यहाँ पे, कोई और है यहाँ पे। ईशान शर्मा कप्तान है यहाँ पे। मैथ्यू वेट भाई बहुत ही सही प्लेयर है, और आज हमारा पट्टा कमिंस भी पहले ओवर डालेंगे यहाँ पे। बैट कमिंस हम चेंज नहीं कर सकते हम लोग भाई, बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे अच्छे बॉलर है भाई, बाद में लाएंगे। मैथ्यू वेट पे पहली गेंद उठा के खेली भाई, पहली बॉल में चौका। आजकल क्या हो रहा है भाई, सब लोग मेरे को कॉपी क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ। मैं हमेशा से पहले में चौका मारता था, ये लोग भी मारना चालू कर दिया यहाँ पे। लगता है अपना ऑक्टर भाई वर्ल्ड के पास हो चुकी है यहाँ पे। चलो मूड फ्रेश हो गया, मैच का तो ध्यान देते हैं। आ जाओ, रहा नहीं जाता अग्रवाल, इसको कप्तान से हटा दिया यहाँ पे। ईशान शर्मा को कप्तान से रख लिया यहाँ पे। देखते हैं पट्टो कमिंस को पहले ओवर के तो कितना अच्छा मार सकते हैं यहाँ पे। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, इस साल भाई पट्टो कमिंस बहुत ही अनफॉर्म जा रहे हैं यहाँ पे। ओ मेरे मुंह की बात छिल ली लोगों ने भाई, पहली बॉल में 4 रन मार दिए पे। नहीं, और मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता अपने ओपोनेंट को भाई, मैं खुद के प्लेयर को मोटिवेट करूंगा। पर इस साल पैट कमिंस बहुत ही मार खा रहा है, अगले मैच के मार खाया था। पहले ओवर के अंदर 10 रन जड़ दी, क्या बात है भाई, मतलब 10 का रन रेट चल रहा है यहाँ पे, और नीचे दिख रहा है 12 का रन रेट यहाँ पे। पहली बॉल में विकेट, अच्छा खासा विकेट लिया हम लोगों ने, अगर रुकता तो और भी फाड़ता हमारा पैंट। फाइनली आज हमारे साथ आ चुके टी नटरन यहाँ पे भाई। टी नटरन बहुत दिन के बाद बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ईशान किशन पंजाब के अंदर घुस गया, मतलब पीटी जिंदा के पास आजकल बहुत पैसा है बनता है यहाँ पे, पैसा ही पैसा हो। पर हमको भी जरा दे दो यहाँ पे, अगर कोई बात नहीं बॉलिंग कर ध्यान देते। पहला ओवर खत्म हो चुका है, ईशान किशन वाह क्या डिफेंस किया भाई, डिफेंसिव भी वो भी गैप है यहाँ पे। हमारे फील्डर पे भागते भागते उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बाप रे बाप यहाँ पे। और भाई 3 रन भी ले लिया यहाँ पे भाई, चौका ही काटता भाई, 3 रन की क्या जरूरत भाई, चौका ही चला जाता है। पर नाइस फील्डिंग ऑलमोस्ट, इस साइड से बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त कर रहा है, माना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर में होता तो कैच मिलता, पर धोनी को इस बॉल को पकड़ना चाहिए था भाई, नहीं तो यहाँ पे सिंगल रन भी नहीं लेते यहाँ पे। धोनी अनफिट लग रहा है जिस मैच के अंदर, क्योंकि इंजरी था ना भाई, होता है ऐसा। एक विकेट गिरने के बाद लिटरली बहुत ही ध्यान से बल्लेबाजी कर रहे हैं, माना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब मन के अंदर थोड़ा डर बैठ चुकी है यहाँ पे, अगर आउट हो गए तो रिस्क लेने का ही नहीं। पर हम लोगों ने फील्डिंग बहुत ही अच्छा सेट किया, बैट का भी आज फुल फॉर्म में लग रहा है भाई। एक ओवर के अंदर इसको कहते हैं बॉलिंग भाई, देख के बैट्समैन कंफ्यूज हो गया, ईशान किशन भी नहीं खेल पा रहे यहाँ पे। एनर्जी एकदम फुल टॉप पे है भाई हमारे बल्लेबाज के यहाँ पे भाई, इस बॉल को पकड़ना चाहिए था भाई, ये गलत कर दिया पे। 3 बॉल डॉट हो जाती है यहाँ पे, सिंगल ले लिया यहाँ पे, बट तरीके 8 का रन रेट जा रहा है, तो ठीक ठाक रन रेट जा रहा है। एक ओवर मार खाने के बाद ये ओवर बहुत ही अच्छा खासा खेला, और ये शाबाश ईशान किशन यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शॉट सीखी यहाँ पे। बेटा हमारा नीनू शॉट सीख चुकी है यहाँ पे, कचोरी बंसी हो गया। आबिस खान को लाया है हम लोग बॉलिंग करने के लिए यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा खासा बॉलिंग करता है। हम लोगों ने जितना सारा युवा खरीदा था भाई, सब कुछ परचेस कर लिया भाई। हाँ आबिस खान को मौका दिया आज के मैच के अंदर, देखते कैसे खेलता है। साइड चेंज करके हम लोग को ओवर द विकेट बॉलिंग करना पड़ेगा, पर ये सब खास नहीं है भाई, इतना पार्टनर कैसे लगता है। पकड़ पकड़ पकड़
पल को पकड़। हाँ भाई फेंक है फेंक, तीन रन तो गारंटी लेके मुझे पाते यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से भाग रहे हैं यहाँ पे माइंड अगर ईशान किशन पूरा मक्खन ला के कसकला के जैम ला के ईशान किशन किशन ऑन द स्ट्राइक। मुझे डर लग रहा है अभी भाई, मुझे पेड़ के अंदर बहुत दर्द कर रहा है। कैच कैच नहीं होगा यहाँ पे, पर कैच का ऑप्शन नहीं आता भाई। भाई ये चौके देख के मुझे पेड़ के अंदर बहुत दर्द कर रही है भाई, कैसे खेला ये शॉट भाई। फोकस ऑन द बॉलिंग गाइस, फोकस ऑन द बॉलिंग, तभी हम लोग विकेट ले सकते हैं भाई साहब। क्या सेविंग किया भाई मगरमच्छी। अगले मैच का हीरो आ चुके हमारे शकीब अल हसन, चार विकेट लिया था अगले मैच के अंदर। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हो कल वाला मैच था यहाँ पे, और कौन जीता पर्पल कैप आप लोगों से पता चल गया होगा। मैं आज दिखा दूंगा कौन जीता पर्पल कैप, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है भाई जीता कौन है पर्पल कैप। देखते हैं आज दिखा दूंगा, चिंता मत करिए। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, सबको उत्साहित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है उत्साहित करो, पर ज्यादा उत्साहित मत करो, पत्थर छोड़ेंगे यहाँ पे। 44 रन हो चुकी है यहाँ पे, अभी ये लास्ट ओवर है पावर प्ले का। देखते हैं पावर प्ले का, एक विकेट मिल सकता नहीं है यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, ये क्या कर रही है यहाँ पे। आज शकीब मार क्यों खा रहे हैं यहाँ पे, अब पहला सिक्स खाया कोई दिक्कत नहीं चलता है। पीटी जिंडा ने इस बार भाई बहुत ही अच्छा खासा टीम बनाया, मारना पड़ेगा। ये कैच मिल सकता है फील्डर, अरे भाई कैच का ऑप्शन आ ही नहीं है यहाँ पे भाई। लिटरली पावर प्ले का इन लोगों ने टोटल कितना जड़ दिया इस चौके के साथ कर दिया यहाँ पे 56 रन, मतलब 6 ओवर के अंदर 56 बहुत होता है भाई। आप लगता है विकेट गिरने की बारी नहीं तो रन खाने की बारी। हम लोगों ने जो स्पिनर परचेस किया इस महीना भाई, लिटरली गजब का स्पिनर परचेस किया भाई। आप भी बॉलिंग कर रहे हैं पर रविंद्र तो जड़े जाए यहाँ पे, लिटरली 9 का 100 जा रहा है। ओ अरे अभी तारीफ कर रहा था मैं अपना स्पिनर का भाई, लोग बस इस बार दिया पे भाई। ये शॉट कहाँ से सीखा भाई, मैंने ये शॉट कुछ दिन पहले परचेस किया था भाई। लिटरली 8 गोल्डन कार्ड लगा मुझे परचेस करने के लिए भाई, बैठे बैठे 6 मार दिया पे। इस शॉट का रिप्ले मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, लगता है बहुत दूर तक गई है, 100 मीटर तो गारंटी गई है यहाँ पे। अभी पार्टनरशिप बन चुकी है 32 बॉल 53 का पार्टनरशिप, क्या बात है, इतना जल्दी पार्टनरशिप हो गया, कुछ तो गड़बड़ है बच्ची। देखते हैं पे भाई साहब 140 मीटर से वो भी बैठे बैठे, तो खड़े खड़े तो भाई 240 हो जाता भाई। भाई आप तो ईशान किशन पूरा ही सेट हो चुके हैं, 18 बॉल में 38 और 1-4 रन भाई। फिर से गैप के लिए भाई, आज क्या खेल रहे भाई, भाई कल की तरह मैच हारना चाहिए यहाँ पे। ये लोग पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब टारगेट अच्छा खासा देगा, ध्यान से खेलनी होगी। लगता है ईशान किशन को मैच के अंदर दिल आ गया भाई, इतना अच्छा खासा बल्लेबाजी रहे यहाँ पे। 20 बॉल में 43 कर दिया, लगता है फास्टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी शकीब अल हसन को फिर से बॉलिंग पे लाए हैं, देखते भाई कब तक यहाँ पे विकेट ना लेके रह सकते यहाँ पे। भाई साहब 48 में जा चुके यहाँ पे, आप तो हमको छोड़ दो यार भाई। 22 बॉल में 48 रन भाई, लेकिन इतना युवा इतना मैंने सोच नहीं होगी। पीटी जिंडा इस बार तो निकल गया, इस बार नहीं छोड़ने वाला, और सिर्फ 2 रन चाहिए यहाँ पे 50 करने के लिए ईशान किशन को भाई। अरे इस टाइम पे अगर विकेट मिले कैसे होते हैं भाई, ये टोटल 5 विकेट 2 मैच के अंदर, और कमबैक कर चुकी है 48 पे आउट है ईशान किशन। अभी उन लोगों की तरफ से आई है भेंडरसन, भेंडर डसन भाई, नाम तो बहुत अजगुबी है भाई। भेंडर डसन ये बहुत ही अच्छा खेल रहा था, पर आजकल और उतना अच्छा नहीं खेलता है, पर फिर भी पीटी जी ने परचेस कर लिया भाई, क्या बात है, उम्मीद है भाई। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहा भाई, ये ओवर बहुत ही खूबसूरत गया मानना पड़ेगा। हाँ 20 के ऊपर रन दे दिया, 1 विकेट लिया, फिर भी 1 विकेट तो लिया भाई, अच्छा खासा। ये बारिश का मौसम, मौसम का बारिश, पानी की बूंदे, बूंदे की डॉट गेंद। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया, देखिए डॉट गेंद हो सकते भाई, नहीं बारिश की वजह से स्टेडियम का लाइट ऑफ कर दिया भाई, क्योंकि सॉफ्ट करके तो करंट सब लग जाएगा करके पे, इसलिए स्टेडियम का लाइट ऑफ कर दिया भाई। चिड़िन से यहाँ पे डालते थोड़ा सा, यहाँ पे यॉर्कर गेंद भाई, यॉर्कर गेंद नहीं था ये, थोड़ा आगे गिरा यहाँ पे, कर कोई बात नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करना पड़ेगा, तब यहाँ पे डॉट गेंद आ सकता है। ईशान किशन आउट के बाद यहाँ पे गतिविधि कम हो चुकी है, थोड़ा सा आगे बॉल गिरना चाहिए था, ओए यहाँ पे कैच हो जाता भाई, थोड़ा सा अगर आगे जंप करता गारंटी कैच हो जाता। शकीब अल हसन के पास मौका तो है, पर उस मौके को छोड़ रहे हैं यहाँ पे शकीब अल हसन। भेंडर क्या लगता है आज तेल खत्म हो चुका है, पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसलिए भाई भेंडर नहीं चल पा रहे यहाँ पे भाई, बहुत ध्यान से खेल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग भाई क्या क्या बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग भाई, बिल्कुल भी बल्लेबाज को हम लोग उड़ी उड़ देने का ट्राई नहीं कर रहे बिल्कुल नहीं यहाँ पे। लो भाई बोलते बोलते भी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है भाई, बहुत दूर का बारिश आ चुकी है भाई, लेकिन देखते हैं बारिश के बाद से कितना ओवर का मैच हो गया। ये बारिश के बाद से भाई पिच बहुत गीला हो जाता है भाई, बॉलिंग के लिए हम लोग बहुत ही टफ हो जाता है। अभी कितना ओवर का मैच हो चुकी है, 8 ओवर का मैच, अरे वाह अभी लगता है 6 ओवर बाकी है। शकीब अल हसन को बॉलिंग दिया हम लोग लास्ट ओवर यहाँ पे, भाई साहब भाई विकेट टू विकेट बॉलिंग करे फिर भी ये लोग आराम से खेल रहे हैं। लिटरली ये तो मानना पड़ेगा ईशान किशन आउट होने के बाद यहाँ पे रन का गतिविधि बहुत ही स्लो हो चुका है। इस बार हम लोग डालते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बॉल, भाई ये नो विकेट मिलना चाहिए मुझे, जीतने लग रहा है यहाँ पे। फिफ्टी चांस था यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था यहाँ पे आउट नहीं था। देखते हैं रिव्यू लेते भाई, देखते भाई रिव्यू लेते, देखते भाई अगर मेरे पास तो 2
एक रिव्यू है हमारे पास, एक रिव्यू है हमारे गवा दी यहाँ पे, देखते हैं इस कदर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो अच्छी बात नहीं है, देखते हैं आउट है कि नहीं। भाई पैर के अंदर टच तो कर रहे हैं ना, हाँ पैर के अंदर टच तो कर रहे हैं पे, आई थिंक यहाँ पे स्टंप मिसिंग कर लगता है, ये भी रिव्यू हम लोगों ने गवा दी यहाँ पे, आज दो रिव्यू हम लोगों ने वेस्ट कर दिया पे, गया ओ पीछे के भाई कहाँ से आउट होगा, पीछे की तो नहीं है यहाँ पे, और स्टंप भी मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बाहर है भाई, रिव्यू लॉस्ट, और दोनों रिव्यू हम लोगों ने आज गवा दी, और कोई रिव्यू हमारे पास नहीं है यहाँ पे बैकअप के लिए, लोग गजब के भेजे थे यहाँ पे, एक बार डालते भाई फ्लिपर बॉल डालते, फ्लिपर बॉल और फ्लिपर बॉल है घूमना चाहिए पर घुमा ही नहीं यहाँ पे, अभी जिंदा हूँ तो सीलन दो, विकेट विकेट हो गया, ये लास्ट बॉल पे विकेट लेके छोड़ेगा हमारे शकीब अल हसन विकेट भाई, और एक बार आज भी वो लगता है शकीब अल हसन ओपी करना पड़ेगा यहाँ पे, पर आप देखने की पारी ये लोग क्या रिव्यू लेते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली भाई देखते हैं अगला रिव्यू भी ले ली, पर देखते हैं पे आउट है कि नहीं, सेट डिलीवरी पर यहाँ पे भाई विकेट तो टच कर रहा है ये तो पता चल रहा है, पर इम्पैक्ट पिचिंग का हमारे साथ दे रहा है यहाँ पे, बच्ची के दिल माँ, बच्ची के दिल माँ, ये चलो विकेट, शकीब अल हसन भाई लास्ट बॉल में विकेट लेके छोड़ा यहाँ पे लिटरली भाई, चलो अच्छा खासा बल्लेबाज स्काउट कर दी लिटरली, बहुत देर के बाद हम लोग एक विकेट मिला यहाँ पे, यस अंपायर की डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, आज महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे, अच्छा हम लोगों ने रिव्यू गवा दिया पे, रिव्यू तो लिया था उन लोगों ने यहाँ पे, अग्रवाल 38 पे आउट, राहुल चहर को भाई बहुत देर के बाद हम लोगों ने बॉलिंग दिया भाई लिटरली यहाँ पे, 8 का रन रेट जा रहा है यहाँ पे, कैच इट, बैट का इस लगा भाई, जस्ट ओपी विकेट, आज का बेस्ट मूवमेंट इन द हाउस यहाँ पे, वाओ राहुल चहर पहला मैच खेला और पहले मैच के अंदर पे विकेट ले लिया पे, वाओ वाओ वाओ, और भेंडर सर के यहाँ पे भैन में बिठा के डग आउट के अंदर भेज दिया, तभी पर रिप्ले देखो यहाँ पर नहीं, बैट का एज मतलब बल्लेबाज समझ नहीं पाया बॉल को कहाँ मारना चाहते थे, बॉल कहाँ गया पे, गजब क्रिकेट, रिद्धिमान साहा आइए बल्लेबाजी करने के लिए, रिद्धिमान साहा देखिए हमारे बेंगल कार्ड का कितना अच्छा खेल सकते हैं पे, 112 हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे, और कितना करोगे, जुबान बोलो जुबान कैसी यहाँ पे भाई, पर ये बॉल तो हमारे जवाब हाफ से निकलते जा रहे हैं पे, अरे फील्डिंग कौन चेंज किया भाई, मैंने थोड़ी देर के लिए फील्डिंग चेंज किया था, ओ अरे बीच में गेम एक बार ऑफ हो गया था भाई, इसलिए फील्डिंग चेंज हो गई, लो भाई उसका फायदा उठा ली, कभी कभी लगता है अपन भी पागल है, कभी कभी लगता है हमारा बॉलर भी पागल है यहाँ पे भाई, अभी आया यहाँ पे पैट कमिंस का, क्योंकि पैट कमिंस को लगता है लास्ट ओवर के अंदर, ये लास्ट के बाकी सिर्फ 2 ओवर भाई, ये लोग यहाँ तब भी यहाँ पे डॉट बॉल खेलते जा रहे भाई, पता नहीं क्या करेंगे, और गाइस आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ यहाँ पे भाई, 150 के ऊपर रन नहीं जाएगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे 150 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 130 भी नहीं होगा, ज्यादा हो गया, लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर 129 यहाँ पे, लास्ट बॉल के अंदर डॉट, लास्ट ओवर भाई पैट कमिंस को नहीं देंगे, लास्ट ओवर देंगे हमारे युवा खिलाड़ी यहाँ पे आवेश खान को देंगे भाई, 7 का रन रेट जा रहा है, 150 टच कर पाएगा, आई थिंक यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा, देखिए लास्ट ओवर के अंदर कैसे खेलते ये लोग भाई, अम्मा दी राइट गुमदा टाइमिंग पूरा नंगा कर दिया भाई, पहले ही बॉल को नंगा कर दिया भाई, अम्मा दी राइट अच्छा खेलते हैं भाई लिटरली, इसके सामने अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो गए, इस बॉल को डालते थोड़ा हल्का भाई, देखते भाई हल्का बॉल आई थिंक यहाँ पे खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्लोअर बॉल हल्का बॉल यहाँ पे, वो भाई साहब मार लेगा यहाँ पे, अगर स्पीड में होता गारंटी ये छक्का जाता यहाँ पे, स्लोअर था इसे मारने पे यहाँ पे, बैट्समैन कंफ्यूज, इसके अंदर भाई बहुत ही रियलिस्टिक यहाँ पे बॉलिंग बनाई इन लोगों ने भाई, इस बॉल को भी सेम टू सेम डालता भाई, एकदम हल्का बॉल थोड़ा आगे डालने की कोशिश यहाँ पे, अरे भाई साहब भाई चेन्नई से निकल दिया अम्मा दी राइट को भाई, यहाँ पे आके खेल रहे हैं यहाँ पे लिटरली भाई, लिटरली अम्मा दी राइट कमाल कर दिया भाई, किसके से भाई सिक्स मार रहे यहाँ पे, मतलब एक बार उधर एक बार इधर, एक बार उधर एक बार इधर, बच्चे के दिल में यहाँ पे इधर उधर सिक्स मारती जा रहा है, मुझे लगा था 130 नहीं होगा पर 140 का इस गेम को भेजा है हवाई यात्रा पर, और दर्शकों के बीच किया है डिपॉजिट, मुझको भी डिपॉजिट कर दो गाइस, मुझको भी यहाँ पे दर्शक के बीच में डिपॉजिट कर दो आज भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, किधर है किधर है भाई, 149 हो चुकी है भाई, देखते देखते भाई 150 के बहुत पास हो गए, लास्ट बॉल यहाँ पे, लास्ट बॉल बहुत ही जबरदस्त था, मानना पड़ेगा ऐसे ही बॉलिंग हम लोगों को करना चाहिए था, साइड से करके राउंड द विकेट भाई, हम लोगों ने गलती कर दी लिटरली, 20 रन ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, और 22 की वजह से यहाँ पे ओवर भी कम हो चुकी है भाई, मतलब 2 ओवर कम हो चुकी है, 12 बॉल कम हो चुकी, सोच सकते हैं यहाँ पे 18 ओवर खत्म होने के बाद 159 4 विकेट के नुकसान पे, अभी टारगेट दिया पे 18 ओवर के अंदर 153 रन, बाप रे बाप, 3 रन एक्स्ट्रा कर दी, क्या बात है, जीएसटी है क्या, कोई बात नहीं, जाते हम उससे इसके अंदर